कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी बनी हुई है। महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में शुक्रवार को 4,165 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 21,749 हो गई है। अकेले मुंबई में 2,255 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 4,165 नए मामले सामने आए। इससे एक दिन पहले राज्य में 4,255 केस मिले थे। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 21,749 हो गई है। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 79,27,862 हो गया है, जबकि महामारी से 1,47,883 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में मृत्यु दर 1.46% है। वहीं मुंबई में कोरोना के 2,255 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 13,304 हो गई है। यही नहीं, संक्रमण दर भी बढ़कर 15.39% पर पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 1,797 मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की संक्रमण से मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 8.18% पर पहुंच गई है। यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,300 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 19,19,025 हो गया है, जबकि महामारी से अब तक 26,226 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे के अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 12,847 नए मामले मिले हैं। एक दिन पहले 12,213 केस सामने आए थे। नए मामलों में महाराष्ट्र के 4,165 और केरल से 3,419 मामले शामिल हैं। केरल में करीब 3 महीने बाद इतने ज्यादा केस मिले हैं। इस दौरान 14 लोगों की जान गई है, जिनमें 8 मौतें अकेले केरल से हैं। देश में सक्रिय मामले 63,063 हो गए हैं। बीते एक दिन में सक्रिय मामले 4,848 बढ़े हैं। दैनिक संक्रमण दर 2.47% और साप्ताहिक संक्रमण दर 2.41% है।